जिला विकास अधिकारी व ब्लॉक बलिया खेड़ी के इंचार्ज बंशाराम यादव द्वारा एक प्रेस वार्ता में बताया गया कि ब्लॉक बलिया खेड़ी के सभी ग्रामों के ग्राम प्रधानों के विकास कार्यों की जांच कराई जाएगी। जिन ग्राम प्रधानों में विकास कार्यों में घोटाले पाए गए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। विकास कार्य व निर्माण कार्यों में शौचालय व अन्य कार्यों की जांच कराकर कार्यवाही हेतु पूर्ण आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ब्लॉक बलिया खेड़ी के ग्राम जमापुर बेरी की एक घटना भी सामने आई है, जिसकी जांच कराकर कानूनी कार्यवाही की जाएगी, जिसमें एक जीवित महिला को मृतक दिखाकर ग्राम प्रधान द्वारा बहुत गलत कार्य किए गए, उन सभी की जांच कराकर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी व अन्य और गांव की भी जांच की जाएगी। रिपोर्टर शहजाद के साथ अजीत त्यागी की रिपोर्ट। क्वालिटी वेरिफिकेशन करा लिया गया, इसमें भारत सरकार से भी एक अलग से टीम अभी आई थी बीच में, उन्होंने कुछ गाँव का परीक्षण भी किया है और उनकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। इसी तरीके से जनपद स्तर पर भी नोडल अधिकारियों को कहा गया है कि वो अपना सत्यापन कर लें और जहाँ भी ऐसी स्थिति आएगी निसंदेह जो उसमें दोषी पाए जाएंगे वो किसी के दशम बक्से नहीं जाएंगे और योजना के साथ किसी तरीके का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। सर, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसे हमारे देश की मीडिया है, जो भी गांव की या शहर की स्थिति होती है वो सरकार को दर्शाती है, लेकिन जिस गांव में भी जाते हैं वहां का ग्राम प्रधान उनके साथ बदतमीजी करता है और ये कहता है कि हमें मात्र अधिकारी जो है ब्लॉक स्तर के या जिला स्तर के वही देख सकते हैं हमारे कार्य को और मीडिया को परमिशन नहीं है देखने की और उनके साथ अभद्रता का व्यवहार करती है। उन लोगों के लिए क्या कहना है जो इस ग्राम प्रधान है जो मीडिया के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो भी ग्राम प्रधान है वो निर्वाचित ग्राम प्रधान है और वो शपथ लिया हुआ ग्राम प्रधान है और वो भारत के किसी भी नागरिक को अगर कोई सूचना मांगता है, किसी प्रकार की आग्रह करता है, तो उसको ठुकरा नहीं सकता है। और ऐसे जो भी ग्राम प्रधान है जिसे इस तरीके का मामला जहाँ पर आएगा, या तो ये माना जाएगा कि उस ग्राम प्रधान को जानकारी नहीं है, अज्ञानता है, और अगर वो जानबूझ करके ऐसा प्रयास कर रहा है तो निस्संदेह वो गलत कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई जो संगत धाराएं हैं और जो एक्ट के तहत प्रावधान हैं और वो मतलब पदीय जो उसका गरिमा है उसका उसने क्षरण किया है, उसका ह्रास कर रहा है, उस संदर्भ उसके विरुद्ध निस्संदेह कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक मीडिया का सवाल है तो मीडिया कोई भी चीज़ है वो हमारी आँख है और वो देश की आँख है, वो जो चीज़ देखती है उसको वो बताती है, निस्संदेह उसको गलत भाव में नहीं लेना चाहिए। देखे हैं इंडिया 24 टीवी।